परम पूज्य आचार्य गुरुवर के चरणों में प्रणाम करते हुए सरस्वती का स्मरण करते हुए आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। नाना नूना नाना ममा 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 मामी ताता तीती ततो तिता ततो तिता तुती तीता त्रोती त्रोती त्रतो तिता ततो ताती ततो तोती ततिताते ततो तता। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, हमने आचार्यों के ग्रंथों में पढ़ा था, गुरुओं के मुख से सुना था, आज का जीव धर्म करना नहीं चाहता है पर धर्म का फल पाना चाहता है। ये जीव पाप छोड़ना नहीं चाहता है पर पाप के फल को कोई भी व्यक्ति भोगना नहीं चाहता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपकी रुचि पाप में है या धर्म में है, आपकी रुचि जोड़ने में है या छोड़ने में है, आपकी रुचि त्याग में है या राग में है, आपकी रुचि प्रवृत्ति में है या निवृत्ति में है, आपकी रुचि सेवा में है या किसी की आलोचना करने में है। खुद विचार करना, मुझसे मत कहो, खुद विचार करना। और जो तुम धर्म कर रहे हो क्या वो मन से हो रहा है, नहीं हो रहा है? कभी कभी बहुत सी क्रियाएं कर व्यक्ति करता तो है पर मन से कहाँ कर पाता है। और जब जब भी व्यक्ति ने धर्म अनचाहे मन से किया है उसको अनचाहे मन से ही मिला है। जितने उत्साह से आप धर्म करोगे, त्याग करोगे, पुण्य करोगे वैसा ही मिलेगा। जैसे मन जैसा मन होगा वैसा ही मिलेगा। मैं कई बार अभी पर्यूषण पर्व निकले, बहुत से लोगों ने व्रत किए, उपवास किए, क्या उसमें सबकी रुचि थी? नहीं थी, बस करने को किए पर किए किसी ने भी नहीं है। सबने दिन पास किए, आज आठवां है, नौवां है, दसवां है, ग्यारहवां है, बारहवां, तेरहवां, चौदह, पंद्रहवां, नहीं उपवास नहीं है, सिर्फ भूखे मर रहा है। अरे एक उपवास में खुद को अपनी मस्ती में अपने परमात्मा में इतने डूब जाओ कि पता नहीं चले कि आज मेरा दसवां है कि बारहवां उपवास है, आज तेरहवां है कि पंद्रहवां उपवास है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, व्रत संयम तप त्याग सामायिक ये सब पाप के त्याग के मार्ग हैं, ये त्याग के मार्ग हैं। लेकिन हमारी इस त्याग के मार्ग में कोई रुचि नहीं है। यदि किसी से कहो भैया रात में खाना मत खाओ, अरे गुरुदेव 8 बजे के बाद नहीं खाऊंगा, क्यों? इसका मतलब कि वो व्यक्ति मजबूरी में त्याग कर रहा है। इस मामले में श्वेतंबर समाज बहुत आगे है, उनका अहिंसा का पालन करना। इस यदि मैं कहूं कि दिगंबर समाज के 1000 परिवार को देखो और श्वेतंबर समाज के 1000 परिवार को देखो, किसके यहां रात में भोजन नहीं होता है, तो 98% श्वेतंबर समाज एक नंबर पर निकलेगी। दिगंबर में 60% होंगे जो रात में नहीं खाते, उसमें भी जो 60% वाले हैं उसमें वो वही फलहार ले रहे, दूध पी रहे, फलहारी कर रहे हैं, माल मलीजा खा रहे हैं, पर श्वेतंबर समाज में सूर्य अस्त के बाद पानी का घूट भी नहीं पीते हैं। मुझे लगता है त्याग यही सच, तो वो उस त्याग का फल भी भोग रहे हैं, करोड़ों करोड़ों का दान दे रहे हैं। और अपने दिगंबर समाज में व्यक्ति 100 रुपये की बोली, 1000 की बोली बोलेगा, रो रो के पैसा जमा करता है, क्यों? त्याग में उसकी रुचि नहीं है। निवेदन कर रहा हूं, आपने जितने लोगों को देखा है जो जिनका कर्म का उदय में आ गया, जिनकी एक्सीडेंट मृत्यु हो गई, जिनका पाप का उदय चल रहा है, आपने उनसे क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा है। हम चाहें तो हम दुनिया के हर चीज से सीख सकते हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, तभी हमारी गाड़ी की स्पीड 140, 160, 170 पर भाग रही। क्यों भाग रही है?
क्योंकि हमको कुछ सीखना ही नहीं है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। रफ्तार के कारण से आपने एक्सीडेंट से कुछ भी नहीं सीखा है, निवेदन कर रहा हूं। एक छोटी सी बात आप मेरी मान लेना, जब आप ड्राइविंग करते हैं तो अपने गियर के पास, जहां से गियर लगाते हैं, वहां पर अपनी बेटी का या अपने माँ बाप का, अपनी पत्नी का, जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, उसका फोटो वहां लगा के रखना। जैसी स्पीड बढ़े देखना इनका, मेरे इन बच्चों का क्या होगा बाद में। यदि तुम्हारा परिवार से तुमको राग ना हो तो तुम जिस गुरु को तुम खूब मानते हो, खूब चाहते हो, गुरु का फोटो लगा के रखना। और आज संकल्प लेना कि हम कभी भी गाड़ी 100 से आगे नहीं चलाएंगे। आधे घंटे बाद ही पहुंचेगा ना, पर घर तो पहुंचेगा। ज्यादा स्पीड में दौड़ोगे मार घर पहुंचोगे। निवेदन कर रहा हूं, आपसे अनुरोध कर रहा हूं, पेड़ का गिरना, पेड़ से जो पत्ता गिरता है वो प्रकृति है। पेड़ का गिरना या पत्ते का गिरना वो प्रकृति है, और कोई व्यक्ति पेड़ को काट दे ये पाप है। व्यक्ति अपनी मौत मरे वो प्रकृति है, मरना सबको ही है। अभी सुबह पूजन में सबसे बोल रहा था कि भाई पूजा पाठ धर्म ध्यान का फल है संन्यास पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करना। और तुमने जिंदगी भर स्वाध्याय किया, खूब पूजा पाठ जाप आराधना माला खूब किया, और तुम अस्पताल में जाके मर गए, तो मेरा मानना है कि तुम्हारा धर्म ध्यान पूजा पाठ ऐसा था जैसे गोबर पे वर्क लगा हो। निवेदन कर रहा हूं, पेड़ का गिरना प्रकृति है, और पेड़ को काट देना ये पाप है। मरना प्रकृति है, पर अकस्मात मरना, अकाल मरण मरना ये तीव्र पाप कर्म का उदय है। तो निवेदन कर रहा हूं, आप सोचना कि तुम्हारी जोड़ने में रुचि है या छोड़ने में रुचि है। और अपनी गाड़ी के ब्रेक के पास एक फोटो लगा कर अपनी बेटी का, अपनी पोती का, जिनको तुम खूब प्यार करते हो, उनका। जैसे तुम्हारे 100 से आगे गाड़ी बढ़े, तुरंत सोचना इन बच्चों का क्या होगा, इस परिवार का क्या होगा। निवेदन कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं। तो व्यक्ति पाप छोड़ना नहीं चाहता है, पाप का फल कोई भोगना नहीं चाहता है। व्यक्ति पुण्य करना नहीं चाहता है, पर पुण्य का फल हर व्यक्ति भोगना चाहता है। और ध्यान रखना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। निवेदन कर रहा हूं आपसे, पूरा देश पूरा विश्व इस महामारी से गुजर रहा है। रोज रोज व्यक्ति उलझन में है, मन अशांत है, रात में जाओ तो नींद नहीं आती है, खाने बैठो तो भूख नहीं लगती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। सिर्फ आदमी उधेड़बुन में लगा हुआ है, या तो फेसबुक खोल के बैठा है, या व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहा है, या यूट्यूब में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, यदि आप चाहते हैं, और ध्यान रखना कर्म का फल तो खुद को ही भोगना पड़ेगा। कर्म ना महावीर तुम्हारे काटेंगे, ना मैं काटूंगा, सिर्फ संत अरिहंत तो कर्म काटने की दिशा दे सकते हैं, मार्ग दे सकते हैं, पर काटना तो स्वयं को ही पड़ेगा। आप भी सुना होगा, सजन वा बेरी हो बे हमार, सजन वा बेरी हो बे हमार, चिट्ठियां हो तो हर कोई वाचे, करम ना वाचा जाए, सजन वा बेरी हो बे हमार। आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि आप चाहते हैं मुझे घर बैठ के लाभ लेना है, घर बैठ के पुण्य कमाना है, घर बैठ के हमको जो आप सुबह सोते हैं, निवेदन कर रहा हूं, अब आप रोज प्रातः की आराधना को, प्रातः की सुप्रभात उत्सव को दिन भर का महोत्सव बना सकते हैं। और आप जुड़ सकते हैं अंतर्मना फेसबुक से, अंतर्मना फेसबुक पेज से, अंतर्मना गुरुभक्त डायरेक्टरी से जुड़कर आप घर बैठे
अनेक अनेक लाभ ले सकते हैं। आप एक बार उठ के देखना, आनंद आएगा। और जो लोग रोज, अभी मैं देख रहा आकाश से, कहा आकाश 400 लोग सुनते हैं, अरे गुरुदेव 500-700 लोग, ज्यादा लोग सुनते हैं सुबह की पूजन को, निवेदन करना। आप सिर्फ सुनो मत, आप मेरे साथ भी जुड़ जाओ। जब आप सुबह बैठते हैं, आप स्नान मत करो, एक दीपक जला के बैठो, मुंह धो लो, बिस्तर को छोड़ दो, नीचे बैठ जाओ। जो आपका घर का मंदिर हो, मंदिर ना हो, जिनवाणी के सामने रख लेना, बिना स्नान की कोई बात नहीं। एक दीपक जला के रखो, 25 लवंग हो, इलायची हो, सुपारी हो, बत कोई भी चीज़ हो, जब हम मंत्र बोलते हैं, आप दीपक से माँ जिनवाणी का आवर्त करें और एक लौंग माँ जिनवाणी के पास रख दें। फिर उसके बाद क्या होगा, जो लवंग का कोई बात नहीं, वो लवंग को, सुपारी को, बादाम को, जो आपका घर का मंगल कलश है, आप उस कलश पर रोज डालते जाना, तो आपके घर का कलश पवित्र होगा, घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, बीमारियाँ दूर होंगी और आपका मन का संताप अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि आप आज से ही अंतरमना फेसबुक के पेज पर देखें, अंतरमना वाणी से जुड़ें, अहिंसा चैनल के माध्यम से आप घर बैठे साथी सह पुण्य और सुबह की आराधना करने का मतलब है, आपने घर बैठे 24 तीर्थंकर विधान का फल प्राप्त कर लिया, 64 रिद्धि विधान के मंत्र का फल प्राप्त कर लिया, और समय कर की आपने पूजा करके 37 अरबों खरबों उपवास का फल बैठे बैठे प्राप्त कर लिया। लेकिन उसके लिए बिना मरे स्वर्ग मिलने वाला नहीं है, प्रमाद छोड़ना पड़ेगा, बिस्तर का नींद का मुंह छोड़ना पड़ेगा। आप सुन रहे हैं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, बोलो महावीर भगवान की जय।